दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमर सिंह और मेरी सभी दोस्त स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और दूसरे की हमारी बच्ची दिया, यानी ये मेरी भतीजी है, बहुत अच्छा योग करती है दोस्तों, बहुत अच्छा योग करती है। इसकी जो फिटनेस है आप देख सकते हैं दोस्तों की। ये देखिए, आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठना है और इस आसन का अभ्यास मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे करना है करके। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों की, देखिए बच्चे देश के भविष्य, इनका मोटापा होने से रोके, इन्हें सही समय पर सही खान पान करें, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है प्रतिदिन 7 से 9 के बीच में, लंच 1 से 2 के बीच में, और रात का जो खान पान है सोने से 3 से 4 घंटा पहले करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन लें, प्योर वेजिटेरियन, एनिमल फूड, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, ठंडे पदार्थ और जंक फूड का सेवन केवल महीने में 6 बार, इससे ज्यादा इनका सेवन ना करें। योग एक्सरसाइज कब करानी है, सुबह 6 से 7 के बीच में। तो दोस्तों ये आपको वज्रासन में बैठना है और आगे की तरफ झुकना है दोस्तों की, जितना आप झुक सकती है, की कोशिश करें कि नाक लगाने की। देखिए मैं अपने कैमरे में थोड़ा सा इधर दिखाई, ये देखिए बच्ची ने किस प्रकार नाक लगाया पूरा, ये देखिए। और अब धीरे धीरे उठने का अभ्यास करें दोस्तों की, बहुत ही सरल, हम दोनों एक साथ करेंगे दोस्तों की। वहां धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें, जितना आप झुक सकते हैं। ये देखिए बच्चे देश के भविष्य हैं, इनका मोटापा होने से रोके दोस्तों की। कितनी सुंदर, कितनी सरल एक्सरसाइज ये, देखिए धीरे धीरे करें। कम से कम 3 मिनट, अगर आपके पास समय है तो आप 5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन 3 मिनट तो करने ही करना है दोस्तों। देखिए सही समय पर सही खान पान करें, योग एक्सरसाइज को सुबह 6 से 7 के बीच में करें, आपको अवश्य फायदा होगा। हमारे बच्चे जो आज देश के जो हमारे जो बच्चे हैं, काफ़ी मोटापा बढ़ रहा है इनका दोस्तों की, बच्चों को भी बढ़ा है और हमारा भी बढ़ा है, नहीं कि माता पिताओं को भी बढ़ा है। अगर आप दोनों एक मतलब बच्चे भी करेंगे और आप भी करेंगे तो आपको फायदा होगा दोस्तों। लेकिन कब करना है, सुबह 6 से 7 के बीच में। देखिए कितना सुंदर आसन है, आपको वज्रासन में बैठना है, आगे की तरफ झुकना है। देखिए बच्चों के साथ प्रेशर नहीं करना है, प्रेशर किसी के साथ नहीं करना है, यानी कि दबाव किसी के साथ नहीं डालना, जबरदस्ती नहीं करना है। योग एक्सरसाइज का मतलब खुद करना है, खुद की मेहनत करनी है और कभी भी किसी से जबरदस्ती ना कराएं। जैसे आप जैसे बच्चे झुक नहीं पा रहा है, यानी ऊपर से दबाव नहीं डालना, हाथ टच नहीं करना है, हाथ टच नहीं करना है बच्चों पर या किसी भी पे। आपको हाथ टच नहीं करना है, आप सहारा ले सकते हैं या किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं या रस्सी का सहारा ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन दबाव से नहीं करना है केवल। देखिए अगर ये बच्ची नहीं झुक पा रही है तो ये नहीं कि बेटा झुक, ये नहीं कि मैं ऊपर से इसको झुका दूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ये खुद करेगी और आप भी खुद करें, किसी से दबाव में ना करें। तो दोस्तों की कैसे करना है, एक बार अपने बच्चे से बोलूंगा दिया से, हाँ एक साथ करेंगे दोनों को। वन, धीरे धीरे आगे की तरफ झुके, नाक धरती पे लगाने का अभ्यास करें और धीरे धीरे ऊपर। मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लेना है, नाक से सांस को छोड़ना है, सांसों को सामान्य रखें। जैसे आपकी सांस है, मतलब सांस जैसे आप लेते हैं उसी प्रकार सांसों को रखें, लेकिन सांसों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। ये देखिए धीरे धीरे आगे की तरफ झुके, ये जो मोटा पेट है, पेट की जो अधिक चर्बी है दोस्तों देखिए, ये कम होगी, हमारी पाचन शक्ति मजबूत बनेगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगी और समय रहते हुए ये मोटापा कम होगा। तो मेरे सभी दोस्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें दोस्तों देखिए, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने बच्चों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं दोस्तों देखिए। हमने जो गलती करी, जो आपको मालूम है कि हमने क्या हुआ, क्या 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 नहीं किया, जंक फूड का सेवन ज़्यादा किया, एनिमल फूड का सेवन ज़्यादा किया, फैक्ट्री प्रोडक्ट का सेवन ज़्यादा किया, जिससे कि हमारा मोटापा बढ़ा, बस वो आपको कम करना है और यही ज्ञान अपने बच्चों को देना है। इनको मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि यही इंजॉय मौज मस्ती के साधन है, लेकिन महीने में केवल 6 बार, इससे ज़्यादा इनका सेवन आपको नहीं करना है। तो मेरे सभी दोस्त स्वस्थ रहे, मस्त रहे।